रूम पेंट हो गया है, देख रहे हैं मस्त लग रहा है, पूरा मस्त लग रहा है। अभी हम इसका वायरिंग कर रहे हैं, तो वायरिंग पूरा हुआ नहीं, थोड़ा सा हुआ है, टाइम मेरा हो गया तो जाएंगे दुकान। और इधर भी वायरिंग का रिपेयर हो गए हैं, लेकिन इस साइड में हम एक बल्ब जला दिए और पंखे का कनेक्शन कर दिए ऊपर में, पंखा न्यू लगेगा और तार वगैरह देख रहे हैं, तार वगैरह फिलहाल मैं एक बल्ब लगा दिया हूँ, क्योंकि और रूम में काम हो रहा है तो बल्ब लगा दिया, फिलहाल तार वगैरह सब निकला हुआ है। तो सुबह में रोज मैं 1 से 1.5 घंटे करूँगा, तो 3-4 दिन में वायरिंग हो जाएगा, पूरा सारा पुराना वायरिंग मैंने सब निकल गया है और बाकी वायरिंग बाकी हो रहा काम। ये हम वायरिंग का सारा सामान लेकर आए थे, इधर भी है, इधर बोर्ड है, इधर केसिंग है ये वाला, तो यहाँ भी सारा वायरिंग वगैरह का पड़ेगा, इधर भी काम होगा। ठीक है, बाहर में हो गया है, प्राइमर मरा चुका है अंदर में, कलर अच्छा लग रहा है कि नहीं, एक सिर्फ उसका कनेक्शन किए हैं, बाकी हो सकता है रात में तो जल्दी नहीं आ पाते, सुबह में ही करेंगे, बाकी वहाँ से हम आधा करके उसे छोड़ दिए हैं, करेंगे हम खुद वायरिंग कर रहे हैं। काम चल रहा है इधर, चार अब दुकान जाने की तैयारी कर रहे हैं, फिर पसीने से पूरा बुरा हो गई, बिजली भी कट रही है, आ रही है जा रही है, आ रही जा रही है। ठीक है, तैयारी करते हैं दुकान जाने की, टाइम हो चला मेरा 9:30 हो गया, 9:35 हो गया, 9:35 हो गया। एक कस्टमर आया बहुत भुकाता है हमको, तो चेहरा दिखाई दे सर, बहुत भुकाने वाला कस्टमर। एक तो इनका गाड़ी का रोकर नहीं मिल रहा था, BS6 था, दूसरा गाड़ी का लाकर ग्रैंडर से घिस घिस के लगाए, इनको अभी गाड़ी चाहिए था। टाइम देखिए 12 बज रहा, देखिए 11:48 हो रहा, ऊपर से भुका रहे हैं, ऊपर से नहीं नीचे से भुका, बोले नीचे से भुका रहे हैं, रोकर रोकर पिन सब दूसरा गाड़ी का घिस घिस के लगाए, लग नहीं रहा था, BS6 का सामान उतना जल्दी, तो इतना मेहनत किए ऊपर से भुका रहे हैं बहुत देर से। चलिए कोई बात नहीं, अब बोल दिए भुकाइएगा तो काम नहीं करेंगे, भुकाइएगा तो काम नहीं करेंगे। जुपिटर कंप्लीट हो गया, जुपिटर कंप्लीट हो गया, जुपिटर कंप्लीट हो गया, और अभी एक बाइक बंद हुआ था, बंद होकर आया था 11:30 बजे रात को, बताइए देख रहे आज जो मोबिल आया बाहर में ही पड़ा हुआ है, पेट्रोल का एक्टिव आया माल बाहर में पड़ा हुआ, अब चलेंगे, हाँ चलेंगे, सारा सामान वगैरह अंदर हो रहा है, कल प्लेटिना कंप्लीट करना है, कल सुबह में प्लेटिना कंप्लीट कर देगा, और स्कूटी स्ट्रिक सामान का ऑर्डर था, लेकिन बाजार नहीं जा पाए। आवाज ठीक है ना दीपक भाई, बार बार बोल देख लीजिए, मस्त आवाज एकदम आया है, देख रहे बहुत भुकाते हैं, बहुत ना भुकाने वाला ग्राहक मिलेगा ना, तो हम लोग कहाँ से कहाँ चल जाएंगे, ना भुकाने वाला ग्राहक। सुबह में फिर उठकर वायरिंग करना है, वायरिंग पूरा किए नहीं है, इनकम्प्लीटेड है अभी, सुबह में फिर करेंगे, आधा आधा करेंगे ना तो हो जाएगा 5-6 दिन में वायरिंग पूरा। देखिए बात से मुकर रहे हैं, हमको बोले कि आज रात को गाड़ी मिल जाएगा तो जितना बिल होगा उसका 3 गुना देंगे, बिल हुआ अभी का 1460 रुपया, इसका 3 गुना हो रहा 4380 रुपया, बात से मुकर रहे हैं, देखते हैं कि मिलता है कि नहीं पैसा, हम भी लालच में कर दिए भाई पैसा मिलेगा 3 गुना, तो इतना मेहनत लगा लगा के कर रहे थे। सुनिए ना मेरा बतिया, हाँ घर उधर का चल गया वो, अब हम लोग भी चल रहे हैं, काम खत्म हो गया, फिर आ गया, क्या हुआ आपकी गियर वाला कर दिया, गियर वाला इधर घूम गया, इसको चलते हैं, टाइम है चला, मेरा हेलमेट यार
हेलमेट संजीत कहाँ काउंटर के हेलमेट ले जाना जरूरी रहता है। कब किसी का कहीं गाड़ी खराब हो गया रात में कॉल कर देगा, मतलब कि रात में कॉल कर देगा या सुबह सुबह कॉल कर देगा गाड़ी मेरा यहाँ पर ख़राब हो गया। मान लीजिए 30-40 किलोमीटर के एरिया में खराब हो गया तो क्या करेंगे, सुबह सुबह कहाँ से लाएंगे हेलमेट। सर्विस 24 आवर्स कस्टमर का सर्विस, कहीं कस्टमर मेरा फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, मेरा रूल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बाय, शुभ रात्रि।